एक तो ये यात्रा हमारी उम्मीदों से बढ़कर अपने उद्देश्यों को पूरा करने में कामयाब होता हुआ दिख रहा है। जैसे जब हम लोग 7 तारीख को इसका प्रॉपर इनॉग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ, तो बहुत सारे सवाल थे मन में। लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, लोगों का रेस्पॉन्स क्या होगा। हम लोग अपने ऊपर भी सवाल खड़ा कर रहे थे कि कैसे 25 किलोमीटर चलेंगे, क्योंकि किसी को भी जो है इतना चलने की आदत है नहीं, और हम लोग जो है फॉरेस्ट गंप तो है नहीं कि एक बार जो है जूते का लेस बांध करके जो है दौड़ना शुरू किए तो दौड़ते रहेंगे। तो ये सारे सवाल मन में थे, लेकिन वो जो एक बात स्कूल में पढ़ा करते थे कि कई बार इंसान पैरों से नहीं हौसलों से चलता है, वो इस यात्रा में जा करके सही साबित हुआ है। कैसे यात्रा के 60 से ज़्यादा दिन कट गए सचमुच पता नहीं चला। तकलीफें हुई, अलग अलग तरह की तकलीफें लोगों को हुई, लेकिन अब लोग जो है अपने शारीरिक संघर्षों से ऊपर उठ चुके हैं। मतलब कभी तो ऐसा होता है कि मजाक मजाक में कि यात्रा समाप्त हो गई है और अब जो है अपने कैंप में वापस लौटना है, लोगों को इतना चलने की आदत है कि गाड़ी सामने हो, बस सामने हो, फिर भी पैदल चलने लगते हैं। तो बीच में जो है एक जब छुट्टी होती है तो कई सारे लोग घर गए, बहुत सारे यात्री बीच में, दीपावली था तो लोग घर गए, लेकिन मैं उस वक्त भी कैंप साइड में ही था। तो कुछ जो लोग घर से लौट करके आए, उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार कहानी सुनाई कि हम लोग जा रहे थे एक मार्केट में, तो घर वालों ने कहा कि हम लोग कार से चलते हैं, तुम तो पैदल चलो, आराम से 20-25 किलोमीटर तो चल ही लेते हो, अब 20-25 किलोमीटर चलने में कोई दिक्कत नहीं है। और आज भी जब मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहा था तो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि इंतज़ार किस बात का, शुरू कर दो, 12-13 किलोमीटर है, 24 अकबर रोड पहुंच जाओगे, मॉर्निंग सेशन में वैसे भी तुम लोग 15 किलोमीटर चलते ही हो। तो ये यात्रा मेरे ख्याल से बहुत सहज हो चुका है, अब भारत यात्रियों के लिए भी बहुत सहज हो गया है। और ये जो बार बार मन में सवाल था ना कि लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, लोग भी बहुत सहज हो गए हैं। दो तरह के लोग हैं, मैं आपको साफ साफ बता दूं। एक तो वो लोग हैं जो पार्टी से सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं, एक वो लोग हैं जो पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन इस यात्रा से जुड़ चुके हैं। और उन लोगों को देखना और उनके अनुभव के आधार पे ही कुछ चीजें मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि जो लोग अपने घरों में खड़े हैं, अपने छतों पर, दुकान के आगे, किसी कॉर्नर पर, जहाँ गांव शुरू होता है उसके मुख्य द्वार के पास, मोबाइल से जो है वीडियो बना रहे हैं, उनकी आंखों को पढ़ने से इतना महसूस होता है कि ऐसी यात्रा की जरूरत थी इस देश को। और यही कारण है कि चाहे जितनी भी चुनौतियां रही हों, यह यात्रा स्वाभाविक तौर पे उन सारी चुनौतियों को एक एक करके पार करता जा रहा है।